हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी मिसेस अंकिता सेमवार। आप मुझे जानते ही होंगे। और मैं आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, मंथ हुआ कि नहीं पता नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं है, बट काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करी है। उसका ये रीज़न था कि आपको सबको पता है कि आजकल बारिश बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं, घर के अंदर ही है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि आपको घर का डेली क्या दिखाऊँ, क्या सो के उठी हूँ, ये बनाया वो बनाया, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। जब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा अपने जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, आज उनसे थोड़ी बातचीत करी जाए इतने दिनों बाद। और आज थोड़ा मतलब मौसम बहुत अच्छा है, बाहर धूप आई है, बाहर अच्छी सी धूप खिली हुई है बाहर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और मैं आज आपके साथ में कुछ अपनी कुछ ड्रेसेस है जो मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगी, मतलब जो इस बीच जो भी मैंने शॉपिंग वगैरह जो कुछ भी मैंने करा है मैं आपको वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं आज आपको सबसे स्पेशल ड्रेस दिखाने वाली हूँ जो कि मेरा तीज का आउटफिट होगा, जो मैं इस बार तीज में पहनने वाली हूँ। कि मैं साड़ी पहन रही हूँ या फिर मैं पहन रही हूँ कोई सूट पहन रही हूँ। वैसे तो मेरा यहाँ पे जो मेरे ससुराल है यहाँ पे मेरी ये सेकेंड तीज है, मतलब फर्स्ट तीज जो होती है शादी के बाद तो मायके में मनाई जाती है, तो मेरी यहाँ पे सेकेंड तीज है। और वैसे मेरी तीन तीज हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि हर बार साड़ी साड़ी भी तो सही नहीं रहता है ना, अब कितनी आप ग्रीन साड़ी पहनेंगे। वैसे तो ग्रीन बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं कि आप ग्रीन चूड़ी वगैरह पहनो सब। मैंने ग्रीन बिंदी लगाई है मेरा, और ये जो मेरे हाथ में ये कड़ा है ये कांच की चूड़ियाँ नहीं है, कांच की पहननी जाती है, बहुत ही शुभ होता है कांच की अगर आप बैंगल्स पहनते हो तो। बट मेरे हाथ में जो कांच की चूड़ी है वो टूट जाती है, वो टिकती नहीं है एकदम, तो इसलिए मैंने इसको उतार दिया था। फिर मैंने कहा ये बैंगल ठीक है, कम्फर्टेबल है, इसमें कोई खन खन नहीं होती, मुझे खन खन की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो फिर मैं आपको अब दिखाना शुरू करती हूँ। चलिए गाइज, मैं आपको अपनी मतलब जितनी भी शॉपिंग मतलब जो जो मैंने कुछ ख़रीदा है, शॉपिंग तो क्या है मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लेके आया है, मैं आपसे वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, ये जो है ये आपने इस ड्रेस का आपने वो देखा होगा मेरा मीशो में, ये मीशो की ड्रेस है जिसको मैंने शॉर्ट्स बना के डाली थी, आपने देखा होगा। तो ये कुर्ती मैंने ली थी, ये कुर्ती है जो कि काफ़ी अच्छी है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और ये कॉटन की है। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब मीशो में इतना अच्छा आ जाता होगा कुछ, बट ये मैंने मंगवा के देखा तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने अभी इसको पहना नहीं है, मैं इसको पहनूंगी, अब देखते हैं मैं इसे कब पहनूंगी, तब मुझे कुछ अच्छा मौका मिलता है। बट ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जो है मीशो का ही दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको एक ये लिया मैंने मीशो में, आप काफ़ी लोगों ने वैसे मीशो में देखा होगा, यह कुर्ता सेट है जो कि मुझे था 350 ऐसे समथिंग ऐसे कुछ पड़ा है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, तो ये ऐसा है कुछ। इसकी लेंथ भी अच्छी है और यह है इसकी पैंट, इसकी पैंट भी अच्छी है, ये नियॉन ग्रीन है और ये मतलब इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये कलर ना मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कलर, और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि इसका स्टफ़ मतलब ख़राब होगा या कुछ होगा। मैंने अभी इसे पहना है, या कोई भी चीज़ वो पहनने के बाद ही आपको पता लगती है उस चीज़ कैसी है, तो मैं इसको पहनूँगी। हाँ थोड़ा ये लूज़ भी है तो अब मैं सोच रही हूँ या तो उसको फिटिंग कराई जाएगी तभी मैं उसको पहनती हूँ, बट अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं उसको पहनूँ, पर चलो देखते हैं। और ज़्यादा महंगा नहीं है, आप इसे चाहे घर में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ और एक चीज़ और गाइज, मेरे हस्बैंड अभी सहारनपुर गए थे तो उनको ना
पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कुछ मुझे शॉपिंग करनी चाहिए, मतलब उनको शौक है कि मतलब मैं कुछ खरीदूँ। वैसे तो शायद पहली बार ही लाए होंगे, जब से मेरी शादी हुई तब से तो पहली बार ही लाए होंगे। तो ये मेरे हस्बैंड 6 या 7 सूट के आसपास लाए थे, तो हमने जितने भी फैमिली मेम्बर में जो है उन सबको हमने दे दिया है। जो मेरे पास रखा है वो मेरा सूट है और मेरी मम्मा का सूट है, मतलब कि वो अपने सासू माँ के लिए सूट लाए थे, बट मैंने उस पर चॉइस कराई कि मतलब मम्मी कौन सा रखी है, तो आपको दिखा देती हूँ। मैं इसको खोल नहीं पाऊँगी, आप ऐसे देख लीजिए। ये येलो कलर का सूट है जो काफ़ी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बोलते ना सहारनपुर में माल ऐसे ही मिलता है ये वो सो, बट मुझे तो अच्छा लगा उसका। मुझे इसकी खास चीज़ लगी इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा ये वाला है। तो जैसे पूजा वगैरह होता है आप उसमें इसको पहन सकते हैं, क्योंकि येलो बहुत अच्छा माना जाता है पूजा के लिए। मेरी मम्मी ने चूज़ यही करा था सूट, क्योंकि उनको येलो चाहिए था, वो थर्सडे के दिन उसको मतलब पहनती है येलो कपड़ा। तो मैंने कहा ठीक है आप ये वाला रख लेना, तो उन्होंने ये वाला सूट रख दिया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना वाला सूट। ये सूट है पिंक पीच कलर का सूट है, और ये मुझे पसंद आया। पहले मैं इसको नहीं लेती, पहले येलो ले रही थी, बट मैंने जब इसके अंदर देखा कि ये अगेन नियॉन ग्रीन, मतलब नियॉन ग्रीन, मतलब नियॉन ग्रीन भी क्या, थोड़ा येलोइश बोल सकते हैं, थोड़ा वैसा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कॉम्बिनेशन। और ये इसका दुपट्टा है, मतलब इसका स्टफ बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल होगा पहनने में। तो इसलिए फिर उन्होंने मेरे लिए यही चूज़ करा था कि तू ये वाला रख ले। अब मम्मी को वाला पसंद आया तो हो गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैंने ये वाला रख लिया है, अभी बस उसको स्टिच नहीं कराऊंगी। मैं सोच रही हूँ अभी है सूट तो उसको नेक्स्ट ईयर में स्टिच कराऊंगी, अभी फ़ायदा नहीं है ना, फालतू कपड़े हो जाते हैं फिर। और जो सूट है ये वाला, एक्चुअली क्या है, इन्होंने मुझे सारे सूट उसमें दिखाए थे, फ़ोन में दिखाए थे, वीडियो कॉल में दिखाए थे, तो मैंने वीडियो कॉल में ये वाला सूट पसंद करा था। बहुत अच्छा सूट है, बहुत प्यारा है। इसमें ये थोड़ा चिकन चिकन भी बोल सकते हैं, हैंड वर्क वर्क है। इसमें वाइट कलर का है, ये इसका दुपट्टा है। मैं इसको बहुत अच्छे से सिलवाऊँगी, अगर सिलने के बाद पहनूँगी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगेगा। और वाइट कलर मेरे को बहुत सूट होता है, तो ये भी बहुत अच्छा सूट लगा। और एक चीज़ और, मेरी जो भी बहन की बेटी है उसका बर्थडे आने वाला है, तो मैंने उनको बोला था कि कुछ सैंडल वैंडल मतलब ले आना, तो ये सैंडल लेकर आए हैं जो कि इस बॉक्स में, बट मैं अभी इसको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये सरप्राइज़ है और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसको पता लग जाएगा। तो अभी मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपको अभी, के शायद बाद में मैं दिखा पाऊँ क्योंकि चली जाएगी। तो ये बर्थडे गिफ्ट ये नहीं ओपन करूँगी, मैं रिवील नहीं करना चाहती अभी। और जो अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी तीज का आउटफिट, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या पहनूंगी। तो ये रहा मेरा तीज का आउटफिट, दिस इज अनारकली सूट। देखिए मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ, इसकी लेंथ नीचे तक है पूरा, मीन्स इसके नीचे कोई मतलब इसके नीचे का मुझे कुछ नहीं मिला है। ये ग्रीन कलर है, यू नो जैसे काई वाला रंग होता है ये, वो है डार्क ग्रीन, बहुत अच्छा है। थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, बट आप इसके अंदर ब्लैक पहनोगे ना तो ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा क्योंकि ये डार्क ग्रीन है। और इसका वर्क है, सारा हैंड वर्क है। और ये भी थोड़ा सा लूज़ है, मैं इसको टीज पर थोड़ा फिट कर दूँगी, तो ये मेरे बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ में जो दुपट्टा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इसका दुपट्टा ऐसा है, कुछ इस टाइप से है इसका दुपट्टा। तो ये पहन के बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, मतलब मुझे वो नेकलेस वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। तो उसकी चुन्नी देखने में बहुत ही चुम्मड़ जैसी है, बट अच्छा है ओवरऑल, बहुत अच्छा है ये वाला सूट, बहुत अच्छा है। मैंने कुछ पहली बार ही शायद कुछ इस तरीके का पहन रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ ऐसा पहनने वाली हूँ। पर और बाकी अभी तो मैंने आपको जितना भी कुछ था सब कुछ दिखा दिया, लेकिन जब मैं उस सूट को पहनूंगी
तो आप सबको मेरी रील्स वगैरह सब मिल जाएगी। तो गाइज बस यही सब कुछ था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। इतने टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे। आज मेरा मन था, आज मेरा मन कुछ अलग ही लेवल का, आई डोंट नो व्हाई। तो इसलिए आज मैं ये आपके साथ में सब कुछ शेयर कर दिया है मैंने। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर आप मुझे यूँ ही प्यार देती रहिए रहिए, हाँ मेरी वीडियो देखते रहिए। अब ना मैं बोलना भी भूल गई इतने टाइम बाद कैसे बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपके छूट जाते हैं। तो कुछ मेरे साथ में ऐसा ही सीन है। तो गाइज चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, आई फ्लू हो रहा है प्लीज़ बच कर रहना। ओके बाय बाय।